वेलकम, मेरा नाम है साइबर खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। एक प्रमोशनल इवेंट में पहुंचे वरुण धवन और फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म से जुड़े कुछ BTS किस्सों को शेयर किया है। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म कभी खुशी कभी गम की तरह ये फिल्म भी एक फैमिली ड्रामा होने वाली है। कई सालों बाद दर्शकों को बड़े पर्दे पर इस तरह की कोई फैमिली फिल्म देखने को मिलेगी। फिल्म में नीतू कपूर और अनिल कपूर वरुण धवन के माता पिता बने हुए हैं, तो वहीं कियारा आडवाणी उनकी बहू का किरदार निभाती नजर आने वाली है। फिल्म में एक सीन है जो ट्रेलर में भी दिखाया गया है, जहां अनिल कपूर और वरुण धवन साथ में शराब पी रहे हैं। इसी सीन में वरुण से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताया है फिल्म के डायरेक्टर राज मेहता ने। फिल्म में जब अनिल कपूर वरुण धवन दारू के नशे में एक दूसरे से अपनी अपनी मैरिड लाइफ डिस्कस करते हैं, उस सीन के बारे में जब वरुण से पूछा गया तो एक्टर ने जवाब दिया, मैं एक्चुअल में पीना चाहता था क्योंकि मैं अनिल कपूर सर के साथ एक या दो पैक पीना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा हमें नहीं करना है, हमें बस इसे एक्ट करके दिखाना है। राज को बहुत मजबूर करने के बाद मैंने थोड़ा सा ड्रिंक किया था। हालांकि वरुण धवन ने आगे कहा, मैंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत पी लिया था क्योंकि राज एक बहुत बड़ा शराब पीने वाला है। और जल्दी में वरुण ने आगे कहा, पानी और हाइड्रेट पीने के मामले में, जिस पर मनीष ने बीच बचाव करते हुए कहा, मैंने सोचा भी था कि फिल्म को जुग-जुग पियो कर देना चाहिए, इतना ये लोग मूवी में ड्रिंक कराए हैं। तभी राज ने सफाई देते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, लेकिन मैंने ही आपको ज्यादा शराब पीने से रोका था। इस पर वरुण ने सफाई देते हुए कहा कि ये सब सिर्फ एक सीन के लिए हुआ था। फिल्म जुग-जुग जियो में मनीष पॉल और यूट्यूबर प्रजक्ता कोहली भी नजर आने वाली है। फिल्म अगले महीने 24 जून को रिलीज होगी। फिल्म का ट्रेलर तो लोगों को खूब पसंद आया है, अब देखते हैं कि फिल्म को दर्शक कितना प्यार देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।